बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमान सारी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम लेके आई हूं, जो कि सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन मैं गर्मियों में आपको बताऊँगी कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्रीम लेके आई हूँ, वो है स्टिलमन फेयरनेस क्रीम। ये बहुत ही ज़बरदस्त है रंग को पूरा करने के लिए, चेहरे के ऊपर से दाग धब्बों को ख़त्म करने के लिए, स्किन को बहुत सॉफ्ट करती है। बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है इस क्रीम का, मैं आपको खोल के दिखा दूँ। ये बड़ी पैकिंग में भी है, ये इस वक्त मेरे पास छोटी पैकिंग है, ठीक है। एक तो आपने ये स्टिलमन की क्रीम लेनी है, ठीक है, और आपने क्या करना कि आपने इसमें दो और क्रीम्स मिक्स करनी है, और वो है ये आर्ची, ठीक है। ये आर्ची की आपने दो क्रीम्स लेनी है, आर्ची पर क्रीम की ना, ये दो क्रीम्स आपने लेनी है और आपने इस क्रीम के अंदर मिक्स करनी है, ठीक है। एक तो आपने ये दो क्रीम्स इसके अंदर मिक्स करनी है, और इसके अलावा दो आपने लेने हैं वाइटनिंग के कैप्सूल्स, ठीक है, और ये भी आपने इस क्रीम के अंदर शामिल कर लेने हैं। ये जो आर्ची क्रीम है, ये रंग को गोरा नहीं करती, लेकिन ये स्किन को बहुत सॉफ्ट करती है, और ये वाइटनिंग कैप्सूल ये इस क्रीम के रिज़ल्ट को डबल कर देंगे, ठीक है। तो आपने इन सब को मिक्स कर लेना है, किसी भी एक बॉल में लेके पहले इन सबको डाल के अच्छे से आप मिक्स कर लो, और फिर वापस आप ये स्टिलमन की क्रीम में ही क्रीम डाल के ना तो आप इसे इस्तेमाल करो। और आपने सिर्फ नाइट में इसे इस्तेमाल करना है, डे में नहीं, क्योंकि गर्मी आ गई है, सर्दी के मौसम में तो सुबह शाम क्रीम को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन गर्मी में सिर्फ आपने नाइट में इस्तेमाल करनी है। और आपने कैसे करनी है कि जब आप सोने लगो तब आपने क्रीम लगानी है, क्योंकि ये क्रीम बहुत ऑयली होती है और गर्मी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, पसीने की, गर्मी की, और वो स्किन पे थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए सिर्फ आपने नाइट में लगानी है, और सुबह होते ही आपने किसी भी अच्छे फेस वॉश के साथ चेहरे को वॉश कर लेना है, और कोई अच्छा सा सनब्लॉक अप्लाई कर लेना है। और इस क्रीम की बहुत ज़्यादा मिकदार नहीं लगानी, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग ना क्रीम का चेहरे के ऊपर लेप ही कर लेते। लेप ज़रूरी नहीं होता, आप थोड़ी सी मिकदार क्रीम की लगा लो वही काफ़ी है, क्योंकि रात को जब आप ज़्यादा क्रीम लगा लेते हो, बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि सुबह जब हम उठते हैं तो क्रीम चेहरे के ऊपर से उतरती नहीं है, वो चेहरे के ऊपर स्किन के ऊपर जम जाती है। तो होता यही कि आप बहुत ज़्यादा मिकदार लगा लेते हो, बस थोड़ी सी क्रीम लगाओ और पूरे फेस पे उसे लगा लो, इतनी ही काफ़ी है। ज़्यादा लगाने से कुछ ज़्यादा असर नहीं होता, कम लगाओगे तब भी असर होगा। तो आप इस क्रीम को गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में बहुत गर्मी की वजह से बहुत सारे लोगों का रंग बहुत काला हो जाता है, स्किन पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस क्रीम को नाइट में लगा सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे जब आप सोने लगो तब आपने लगानी है, और गर्मी के मौसम में दिन के टाइम आपने इस क्रीम को नहीं लगाना, सिर्फ नाइट में आपने इसे यूज़ करना है। बहुत ही ये रंग को गोरा करने वाली क्रीम है, और ये एक महीने बाद इसका रिज़ल्ट आता है, 3 से 4 दिन या 15 दिन बाद। आपने परेशान नहीं होना कि हमारे रंग को इतना ज़्यादा तो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, ये कम अज़ कम 1 महीने बाद मिलता है, और 2 से 3 माह में आपके रंग में आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता इसका रिज़ल्ट है, ये 5 दिन में रिज़ल्ट देने वाली क्रीम नहीं है। जो 5 दिन में या 6 दिन में रिज़ल्ट देती है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस क्रीम का रिज़ल्ट थोड़ा स्लो है, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है ना कि देखिएगा आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी। जब आप इसे छोड़ दोगे जितना आपका रंग साफ़ हुआ होगा उतना ही रहेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।